पास रख दिया अभी दुकान पे ऐसा अच्छा थोड़ी देर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मन रब्बे ज़िदनी इल्मन रब्बे ज़िदनी इल्मा सैयदना करीम और सैयदना करीम और सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला दे करम नाल मैं आज अपने उस शहर च खड़ा जिस शहर दा तारफ करांदे वक्त मेरा कद काफ़ी उच्चा हो जाता और दिल च एक खुशी फरत महसूस होती है। अल्लाह ताला मेरा बेरा शरीफ शादाबाद रखे। बेरे की हिस्ट्री बहुत पुरानी इलमी अदबी शहर अलहमदुल्ला थानू बेरे का थोड़ा जिहा विजिट करावां और बेरे विच जिहड़ा काम हुंदा पिया बेरे की तारीखी विरसा बचाउण वास्ते वह थोड़े नाल कोई शेयर करना चाहना नाल नाल रसो बड़ी मेहरबानी दरवाज़ा दिखाओ। माशाल्लाह मुकम्मल कढ़ाई खूबसूरत पुराने तरह के किल लगे हुए तोड़ उत्ते तक बहुत अच्छा दरवाजा है। आप बहुत अच्छे हो कदर शगास हो आप बहुत अच्छे हो मालक आप बहुत अच्छे नहीं भाई अस्सलाम वालेकुम जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सैयदना करीम और सैयदना करीम और सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अरसा दराज तो बल्कि जदों मैं कुछ होश संभालिया ना तो बेरे आवाज शुरू हुई ते बेरे पुरानी बिल्डिंगा देखनिया बाजार देखने बड़ा रूह खुश होंदा है। फिर चलदे चलदे कुछ होश आया तो फिर मेरे जहन च सोच पैदा होंदी है कि बेरे की तारीखी बिल्डिंग नूं बचाया जाए कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए। लेकिन सच्ची बात है मेरे को नॉलेज भी ना आई सोर्स भी ना आए लेकिन एक जहन सोच आई बात बात सोच पुख्तगी होवे खलूस होवे ते अल्लाह ताला दे करम नाल उस सोच का एक वजूद सामने आ जाता। अलहमदुल्ला अज मेरी उस सोच का वजूद सामने आया कि बेरे की तारीखी बिल्डिंग नो बेरे के तारीखी विरसे बचाने वास्ते कोशिश जारी है। मैं इंतहाई मशहूर हाँ असिस्टेंट कमिश्नर बेरा शरीफ मोहतरम जनाब हाकम खान साहब साढ़े इलाके वेलफेयर के काम में बहुत इंट्रस्ट बनाए रहे अल्लाह ताला नाल सुख सिर दे और इस टाइम मैं मौजूद हाँ बल्कि हाजिर हाँ साढ़े इलाके की एक मोतबर काबिल एतमाद हस्ती मोहतरम जनाब मलक अब्दुल मुनिम अवान साहब अल्लाह ताला इन्हां दा साया साढ़े सिरां ते हमेशा सलामत रखे। अल खिदमत फाउंडेशन दा एक रोशन सितारे मोहतरम जनाब अब्दुल रहमान जामी साहब मोहतरम जनाब अरशद जमील साहब उसामा भाई अल्लाह ताला इन्हां लोकां दी जिंदगी दराज करे। असिस्टेंट कमिश्नर बेरा हकम खान साहब और मोहतरम जनाब कर्नल जैद साहब इस मामले बड़ी इंट्रस्टिंग लगी है जी बेरे का तारीख महफूज करने वास्ते उन्होंने ये अपनी हवेली भी आने वाले विजिटर वास्ते मुख्तस कर दी है कि इतने थोड़े स्टे कर लैन बह लैन। कर्नल जैद खान साहब मैं एक छोटा जहा सोशल वर्कर हाँ जेड़ा बंदा जिथे अच्छा काम करता फिलहाल मेरे को इतनी तौफीक है कि वो अज़मत नूं मैं सलाम पेश करता थोड़ी अज़मत नूं मेरा तहे दिल तो सलाम। फिर इतने वर्क करने वास्ते अमला भी चाहिए है टाइम भी चाहिए है और ये अल खिदमत फाउंडेशन ने यह बेड़ा उठाया। अल खिदमत फाउंडेशन के वर्करा ने किया कि टाइम जरूरत होवे जान जरूरत होवे खिदमत जरूरत होवे अल खिदमत फाउंडेशन के वर्कर 24 आवर अवेलेबल अलहमदुल्ला पूरी गली इन्ना ये पौधे रख दिते इस गलियों की सफाई कराई ना मजीद पौधे कह रहे हैं कि आ रहे हैं जेड़ा सा पूरी
जिहड़े ने इस एरिया नूं महल सजावांगे, क्योंकि इस एरिए ज़्यादा तारीखी बिल्डिंग है। दोबारा मोहतरम जनाब हकम खान साहब, असिस्टेंट कमिश्नर बेरा शरीफ, कर्नल जैद खान साहब, अल खिदमत फाउंडेशन की टीम दजबतान, मैं ना चीज़ का बार बार सलाम। अल्लाह ताला इस बेरे ने हमेशा शाद आबाद रखे। 92 के सैलाब तो पहले बेरे की कुछ बिल्डिंगा बड़ी खूबसूरत सन, लेकिन चंद एक डैमेज हो गई, लेकिन लोगों ने बड़ा समा लिया। 1905 दी गए 1905 या 6 दी ए दीवार है, लेकिन बिल्कुल गारे नाल सारी गए, छोटी बरीक इट है जी, तो बिल्कुल सीधी तो मजबूत दीवार। और इस तरह जी बेरा एक इलमी अदबी रूहानी शहर है। अल्लाह ताला इस बेरे का वकार हमेशा सलामत रखे। रहीम, इस वक्त हम बेरा शहर के मोहल्ला शेखा वाले में मौजूद हैं, तो इस मोहल्ले को एक पुराने विरसे के तौर पर महफूज रखने की कोशिश हो रही है, और सियाहों के लिए इसे कारआमद बनाया जा रहा है ताकि बाहर से सियाह आएँ, वो इस इलाके को विज़िट करें। तो ये पूरी गली को इस अंदाज़ में तरतीब दिया जा रहा है, तो कर्नल जायद मुमताज़ साहब इसके बानी हैं, वो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने अलखिदमत फाउंडेशन के ज़िम्मे ये लगाया कि यहाँ पे हम एक सियाहों के बैठने के लिए जगह बना रहे हैं, तो ये अपनी हवेली उन्होंने वक़्फ़ की, तो यहाँ पर अलखिदमत फाउंडेशन ने बेंच रख दिए हैं। पूरी गली के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे वो गली में भी रख दिए हैं, यहाँ भी मौजूद हैं। तो अलखिदमत इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस काम के लिए मज़ीद हर तरह का तआवुन करने के लिए तैयार है। तो आपको ये पीछे एक मस्जिद नज़र आ रही है, तो ये मस्जिद भी तकरीबन 200 साल पुरानी मस्जिद है, तारीखी मस्जिद है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कोशिशें जो हैं ये बेरा की खूबसूरती के अंदर इजाफे का बायस बनेगी। तो अल्लाह ताला जो लोग इसके लिए काम कर रहे हैं उनको इसका अजर दे, और उनकी जो है हौसला अफजाई की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह अलखिदमत फाउंडेशन हर तरह के ताउन के लिए हाजिर है। मतलब अब्दुल मुनीम अवान साहब से मैं गुजारिश करूँगा, सर काइंडली ये बताएं, दूर दराज से लोग आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेरा के रास्ते बड़े सेफ हैं, मोटर वे है सर, तो मोटर वे से राउंड अबाउट 2 किलोमीटर बेरा है सर, तो काइंडली ये बताएँ जो विजिटर आएँगे क्या उनके लिए जो पुरानी बिल्डिंग है, तारीखी बिल्डिंग है, उनमें तो रहायश भी है, क्या इस काबिल है कि वो लोग देख पाएंगे? जी जी इंशाल्लाह, इसमें कुछ तो मसाजिद हैं, मदारस हैं, इस तरह की चीज़ें हैं कि जो हर तरह के लोगों के लिए खुली हैं। तो इसके अलावा जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे लोगों की रहायशें हैं, तो उनका विज़िट भी किया जा सकता है, उन लोगों की मर्ज़ी से, उनकी इजाज़त के साथ वो भी बिल्डिंग लोगों को दिखाई जा सकती है। सैकड़े सौ साल के पुराने कुएँ भी गए, अब उनको की सफाई करने की ज़रूरत है, और कुछ मंदिर आए, क्योंकि हमारा वो तारीखी विरसा है, आसार कदीमा को भी चाहिए, तो हाँ अलखिदमत फाउंडेशन जो कुएँ हैं उनके लिए और जो मंदिर हैं उनके लिए क्या करेंगे? उसमें हम ना ज़ाहिर है कि ये काम किसी फाउंडेशन या एनजीओ के करने के काम उस बुनियादी तौर पर नहीं है, ये तो ज़िले इंतज़ामिया, तहसील इंतज़ामिया उनके हवाले से करने वाले हैं। तो हम मोहतरम असिस्टेंट कमिश्नर हकम खान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसकी सरपरस्ती फरमाएँ, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको तलाश किया जाए, उनको रेनोवेट किया जाए, तो हम उनके साथ हर तरह बताऊँगे इन शाह। अब्दुल मुनीम अवान साहब, बाकी अलखिदमत फाउंडेशन की टीम, अल्लाह ताला अलखिदमत फाउंडेशन के मिशन में वस्ते और बरते फरमाए। अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।